शीतल है, आज मैं मैंगलोर स्टाइल का नीर दोसे और स्वीट चटनी बनाने के लिए जा रही हूँ। उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सब आपको दिखा दूंगी। मैंने चावल लिया है, इस कटोरी में 3 कटोरी चावल लिया है और नारियल नारियल है थोड़ा सा और नमक है। इसको अभी मिक्सी में डालेंगे। ये मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मिक्सी में डाल रही हूँ नारियल, नमक और चावल। बाकी पहले से ही मैंने थोड़ा सा मिक्सी में डाल के रखा है। इसको पीस के उसका साथ मिक्स करेंगे। इसमें से 1 स्पून नमक डालूंगी और थोड़ा सा डालूंगी, थोड़ा पानी डालूंगी। अभी मैंने पीसा है, देखिए ये अच्छे से पीस गया है। इसको जो मैं पहले पीसा गया हुआ है मैं ऐड करूंगी। अच्छे से ऐड करेंगे। आपको नमक थोड़ा कम लगा तो फिर बाद में हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इसको मिक्स करूँगी, ये बहुत गाढ़ा है। अभी इसको पानी डालेंगे हम लोग, 2-3 ग्लास डाल सकते हैं। मतलब ये पतला होना चाहिए, मोटा नहीं रहना चाहिए। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। नीर डोसा बहुत टेस्टी बनता है। इसको पीसने का टाइम है, बहुत अच्छे से पीसना चाहिए, बहुत नाइस होना चाहिए। ये तरातर नहीं मिलना चाहिए हम लोगों को, छोटा वाला चावल का पीस भी नहीं मिलना चाहिए, बहुत अच्छे से पीसना चाहिए। और थोड़ा पानी ऐड करूंगी मैं, देखिए बहुत पतला भी नहीं चाहिए, बहुत मोटा भी नहीं चाहिए। देखिए अभी हमारा बैटर रेडी हो गया है। अभी देखिए बैटर रेडी हो गया है, मैं इसको साइड में रखती हूँ। अभी हम लोग चटनी कैसे बनाते हैं मैं दिखाती हूँ। इसका 3 इंग्रेडिएंट्स है, एक तो नारियल है, दूसरा वाला गुड़ है और इलायची है। 1 कटोरी नारियल लिया है, सेम 1 कटोरी गुड़ लिया है। आपको मीठा ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, आपको कम चाहिए तो कम डालिए। मैं ज़्यादा खाती हूँ इसलिए मैं हैप्पी रहती हूँ। मुझे स्वीट बहुत पसंद है इसलिए मैं स्वीट चटनी बना रही हूँ। अभी नारियल डालती हूँ, उसका साथ गुड़ भी डाल देती हूँ। मैं पूरा गुड़ डालूंगी और 2 इलायची भी डालूंगी। अभी इसको ग्राइंड कर रही हूँ। देखिए उसको थोड़ा मिक्स करके रखेंगे, बस हमारा स्वीट चटनी हो गया। देखिए कितना अच्छा से बना है बोल के, वाओ अच्छा बना है। इसको शिफ्ट कर दूंगी। कितना चटनी 2 लोगों के लिए बहुत काफी है। अभी डोसा बनाने के लिए हम लोगों को ये तवा चाहिए, उसका साथ डोसा निकालने के लिए चाहिए। डोसा इसमें डाल के फिर ढकने के लिए ऐसे वाला
ढक्कन चाहिए। गैस चला देते हैं, स्लो मीडियम फ्लेम में रखती हूँ। अभी तवा रखा है मैंने, ये तवा आपको मैंगलोर में ही मिलेगा और दूसरा जगह पे नहीं मिलेगा। आप लोग एनीर डोसे को नॉन स्टिक तवा में भी बना सकते हैं। नॉन स्टिक तवा में डोसा इतना अच्छा नहीं आता है जितना ये तवा में आता है। अभी घी यूज़ करती हूँ, अप्लाई करती हूँ। आप लोग नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नारियल का तेल पसंद नहीं है, कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। अभी ढक्कन ढक लेती हूँ मैं, ओपन किया है मैंने। मेरा नीर डोसा अभी बन गया है। इसको देखिए इधर कैसे निकलना है बोल के, ऐसे निकाल के ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, इधर ऐसे रख देते। इसको आप स्वीट चटनी का साथ भी खा सकते हो और ग्रीन चिल्ली का चटनी का साथ भी खा सकते हो, चिकन का साथ भी खा सकते हो, चिकन ग्रेवी या सुक्का का साथ भी। अभी देखिए हो गया, इसको निकाल देती हूँ। गैस हमेशा धीमी रहना चाहिए। एक क्रिस्पी भी हम लोग बना सकते हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक बहुत पसंद करते हैं। स्वीट चटनी और नीर डोसा रेडी हो गया है। ये रेसिपी आपको पसंद आया तो मेरा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ये रेसिपी आपको कैसा लगा। धन्यवाद।